छतरपुर में वैक्सीनेशन के लिए गांव की बेटियां अनोखी तरह से अलख जगा रही हैं। ये बेटियां ढोल नगाड़े बजाकर गांव के लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रही हैं। इसके साथ ही घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को पीले चावल भी बांट रही हैं। ये मुहिम गांव की बेटियों ने चलाई है। दरअसल 21 जून से जिले में वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया जाना है। इसी के चलते छतरपुर कलेक्टर द्वारा गांव-गांव में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसी को लेकर इस गांव की बेटियां मुहिम चला रही हैं। यह बेटियां बुंदेली भाषा में घर की महिलाओं के पास पहुंचकर उनसे बात करती हैं और वैक्सीनेशन के लिए उन्हें जागरूक कर रही हैं। बेटियों की इस मुहिम से लोग भी वैक्सीनेशन लगवाने की बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए कि वैक्सीनेशन कराने के लिए 21 तारीख से जो हमें वैक्सीन की डोजेज मिल रही हैं, अब हमें पर्याप्त मात्रा में डोजेज मिल रही हैं, उसके लिए जागरूक किया जाए और कहाँ कहाँ पर ये वैक्सीनेशन होना है, कैसे होना है, उसके बारे में बताया जाए, तो वो चर्चा की गई। मेरा आपके माध्यम से सभी छतरपुर वासियों से अनुरोध है कि कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र आपका सहारा वैक्सीनेशन ही है, टीकाकरण कराना ही है। अगर आप टीकाकरण करा लेते हैं तो जो तीसरी लहर आने की बार बार बात हो रही है, तीसरी लहर आएगी परंतु उतना नुकसान नहीं कर पाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।